अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज फाइनली हमें जाना है मुंबई। तो हमने सबसे पहले सोचा कि मुंबई जाने के लिए मम्मी ने बोला थोड़ी सी सरसों की साग खेतों से ले आओ। तो सरसों की साग फाइनली ले लिए, जो छोटी छोटी रहती है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमने छोटी छोटी सरसों की साग निकाली है और बड़ी बड़ी सरसों की साग नहीं ली है। तो सरसों की साग हम लोग ने इकट्ठा कर लिया है। सरसों की साग हम लोग ने ऑलमोस्ट दो गट्ठर जमा की थी, एक झोले में लिया था और एक रखने के लिए था नहीं, तो हम लोगों ने दुपट्टा में ही बांध लिया था। वैसे फाइनली हमारी गाड़ी भी आ गई है और पैकिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी, खाना भी बन चुका था ट्रेन में ले जाने के लिए। तो सामान बहुत ही ज़्यादा था, सामान ऑलमोस्ट आप देख ही रहोगे, सामान बहुत ज़्यादा था। एक पूरा गोनी खाली सरसों का साग और मूली था। तभी हमारा सारा सामान गाड़ी में रखाया जा रहा है। सामान इतना ज़्यादा होने की वजह से तो हमने दो गाड़ी किया था। मम्मी यहाँ पे सभी से मिलकर अब घर जा रही है। हम सबका बिल्कुल जाने का मन नहीं था, फिर भी क्या करें, हम सबको जाना पड़ेगा। वैसे हम ऑलमोस्ट 3 महीना गांव में रहे थे क्योंकि भाई की शादी पड़ी थी। तो भाई की शादी अभी डन, मतलब पूरी हो चुकी है शादी। तो अब हम लोग ने सोचा है कि मुंबई मतलब जाया जाए। तो हम लोग ने मुंबई का टिकट हमारा निकल गया है और बस आज शाम को हम सब निकल जाएंगे। घर पहुंच गए। ये देखो हमारा प्यारा सा घर जो हम लोग यहाँ पे 3 महीना रहे थे। वैसे पहले आते थे तो इतना ज़्यादा नहीं रहते थे, ऑलमोस्ट 15 डेज तक का रहते थे। पर इस बार जो है बहुत ज़्यादा ही रहते, 3 महीना रहते तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये सब मेरे बड़े अब्बा बड़े मम्मी, मतलब हमारा पूरा गांव इकट्ठा हुआ था जब हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे सब रोने लग गए थे कि हम लोग जा रहे हैं करके। जदा और सबा को आप लोग तो जानते ही होगे, जो मेरी सारी वीडियोस में अवेलेबल, मतलब हमेशा रहती है। ये बस हम लोग निकल गए सबको टाटा बाय बाय कहकर, हमारी गाड़ी निकल गई है। लखनऊ जंक्शन। अब लखनऊ जंक्शन से हम यहाँ पर कूली करेंगे और अंदर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।